व्यूअर्स आदाब, चिनाब टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। पेश है खिताई चिनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। सर्दियों के सख्त तरीन अयाम यानी चिल्लाई कलान के दौरान वादी चिनाब के किश्तवाड़ जिला में गुज़श्ता दिनों होने वाली बर्फबारी पर आवाम बिलखसूस जमींदारों और काश्तकारों में जबरदस्त खुशी पाई जा रही है। आवाम का कहना है कि हर बरवकत बर्फबारी गर्मियों के अयाम में पीने और सिंचाई करने के लिए वाफर मिकदार में पानी दस्तियाब होने की जमानत फराहम करती है। किश्तवाड़ जिला में गुज़श्ता दिनों मौसम सरमा की ताज़ा बर्फबारी हुई थी, जिससे इलाके में सर्द हवाएं चलती हैं। अगरचे बर्फबारी के बाद होने वाली सर्दी से आवाम परेशान है, ताहम बरवक्त बर्फबारी आने वाले दिनों में अच्छी फसलें और मेवाजात में इजाफा होने का इशारा कर रही है। जिला किश्तवाड़ के इलाका दक्षण पाडर पांगी वाड़वन और दूसरे बालाई इलाकों में कई कई फुट बर्फ जमी हुई है। उधर किश्तवाड़ कस्बा में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का लुत्फ उठाया जा रहा है। देखो जी, ये ग्राउंड जो है बहुत बड़ा है और यहाँ पर ही सर्दियों गर्मी में हम बैठते हैं। इस वक्त मतलब बर्फ पड़ रही है और इस बार पहली मतलब अभी मतलब जनवरी में ना अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी बर्फ पड़ रही है। मतलब हर साल जो है कुदरत का ऐसा नियम था, 13 तारीख को ही लोहड़ी के दिन बर्फ पड़ती थी, मगर इस बार हमें पहला मतलब बर्फ का मौका मिला है देखने का। ये बहुत खुशकिस्मती है, इससे हमें किश्तवाड़ के लोगों को पानी की किल्लत जो होती है इससे दूर हो जाती है, क्योंकि किश्तवाड़ में पानी की किल्लत हमेशा रहती है। बर्फ से ही मतलब हमारा जो है 12 महीने का जो ये पानी का जो वो उससे कमी दूर हो जाती है। इसमें यही हम देखना ये चाहते हैं कि मतलब इसमें जो हम यहाँ आगे पीछे जो घूमते थे इस वक्त हम घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से हमें लपेटा हुआ है ये बर्फ, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं इस वक्त। तो यहाँ से बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये हम हर वक्त सुबह शाम यहाँ इस ग्राउंड में होते थे, इस वक्त चारों तरफ से हमें घेरा हुआ है बर्फ से, हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं अंदर से इस वक्त। मैं इस वक्त किश्तवाड़ के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे आज इस साल की पहली बर्फबारी किश्तवाड़ के अंदर पड़ी और आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है और यहाँ जितने भी किश्तवाड़ के लोग हैं वो इस बर्फबारी में काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा ले रहे हैं और पूरा किश्तवाड़ बर्फ़ की चादर में लपेटा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम किश्तवाड़ की बात करें या दूरदराज इलाका जात की बात करें, इस भारी बर्फबारी की वजह से मड़ुआ दक्षण वाड़वन का जितना भी रास्ता है वो बिल्कुल कट हो चुका है और जितने भी बाकी दूर दराज इलाका जाते हैं, अगर हम गाड़ियों के आमद रफ़त की बात करें, कहीं हद तक गाड़ियों को भी रोक दिया गया है, क्योंकि इस बर्फबारी की वजह से लैंडस्लाइड का भी खतरा रहता है। इधर जिला डोडा के बालाई इलाकों में होने वाली ताज़ा तरीन बर्फबारी से पूरे जिला में सर्दी की शदीद लहर दौड़ गई है। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी से कस्बा डोड़ा में सुबह शाम ठंडी हवाएं चलने से सर्दी में शिद्दत पैदा हो गई है। डोड़ा कस्बे में जगह जगह लोगों को आग जलाकर हाथ पांव गर्म करते देखा जा सकता है।
जिला डोडा की सब डिवीजन गुंदो की आवाम ने पूरी डिवीजन में कोई भी खेल का मैदान न होने पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया है। खेल के चंद शौकीन अफराद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलाका गुंदो में नौजवानों की मुख्तलिफ खेलों की तरफ जबरदस्त दिलचस्पी होने के बावजूद हुकूमत और ना ही महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से खेलों को फरोग देने की कोई कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इलाके ने मिथन मनहास और चैन सिंह जैसे खिलाड़ी पैदा किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया है, लेकिन बावजूद आवाम की बार बार मांग के पूरी सब डिवीजन में कहीं स्टेडियम नहीं है। आरिफ, आप एज ए क्रिकेटर, क्योंकि भले इसके एक अच्छे क्रिकेटर्स में अच्छे स्पोर्ट्समैन में आपका नाम जाना जाता है, लेकिन अफसोस है कि यहाँ पर ना स्टेडियम ना होने की वजह से आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो आप उस पर क्या कहेंगे? आप इस तरह के स्टेडियम में खेलने के बाद भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सरकार के लिए क्या उम्मीदें रहेंगी आपकी स्टेडियम को लेकर के? देखिए शुक्रिया अर्जुन जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस इशू को आज, मतलब पहली बार किसी मीडिया पर्सन ने इस इशू को उठाया है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भलेस के क्रिकेट का डंका बजता था पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, और ये आप सब लोग वाकिफ़ हो इस चीज़ से, और काफ़ी नाम कमा चुके थे हम क्रिकेट में, लेकिन स्टेडियम हमारे पास स्टेडियम नहीं, और जो स्टेडियम हमारे पास था वो कुछ धार्मिक वजहों से हमसे छीना गया। खैर, अब नया स्टेडियम जहाँ भी हम खड़े हैं, ये स्टेडियम आया था, इसमें भी 2 साल पहले यहाँ इसकी लेवलिंग की गई, इसके लिए जो पैसा आया था वो यूटिलाइज हो गया, तो अभी उसके बाद इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। कोविड वगैरह का भी रहा मसला, लेकिन उससे पहले भी 1 साल इन्होंने बिल्कुल ज़ाया कर दिया। इसके लिए एक दंगा आया भी था पहले कोई, और सुनने में आया वो भी कहीं दूसरी साइड इन्होंने खींच लिया, बड़े बड़े लीडरों ने, जिसकी शायद कॉस्ट 2 करोड़ की थी कुछ सुनने में आया था वैसा ही। तो बाकी क्या कहते हैं, हमारा भलेस का क्रिकेट अगर आज की डेट में देखा जाए बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और सिर्फ बिकॉज ऑफ ग्राउंड, हमारे पास ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम की बिल्कुल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अब आप ज़रा इस ग्राउंड का पूरा दिखा देना, यहाँ पे देखना इस ग्राउंड की क्या हालात है, और इन हालातों में भी हम इस ग्राउंड में, मतलब फिर भी यहाँ क्रिकेट हम थोड़ा बहुत शुरू कर चुके हैं, इस सर्दी में भी वैसे भी खेल लेते हैं, तो हमारी ये डिमांड रहेगी। ये ग्राउंड के अंदर जो पिच बनाई गई, क्या खुद आप लोगों द्वारा बनाई गई है? स्पोर्ट्स बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने ये खुद, बाकी यहाँ के जितने भी जहाँ नियरेस्ट लोग, यहाँ जो भी यहाँ रहते हैं लोग, इन लोगों ने बनाई। बाकी मजीद साहब, इनका बड़ा योगदान है, इन्होंने मिट्टी वगैरह यहाँ पे डाली है, वो भी फ्री डाली थी इन्होंने हमारे लिए। तो बाकी जो भी यहाँ पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर था जो मतलब बचा हुआ था, वो भी हमने खुद यहाँ साफ करके तो इस ग्राउंड को थोड़ा बहुत खेलने के काबिल बनाया, लेकिन बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ग्राउंड ये अभी भी रेडी नहीं है। तो हम यही अपील करते हैं कि इस ग्राउंड के बारे में कुछ सोचा जाए, ताकि भले से क्रिकेट को फिर से हम एक नई पहचान दे पाएँ, या जो पुरानी हमारी पहचान खो चुका है क्रिकेट भले इसका, उसको हम वापस ला पाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप क्या बोलना चाहेंगे स्टेडियम की स्थिति को लेकर? हम सर ऐसे बोल, जैसे कि आरिफ भाई ने बोला, हमें ग्राउंड की इधर बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भलेसा में अभी कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ पे हम खेलेंगे, इसलिए हमने इस ग्राउंड के बारे में बहुत से लीडरों से आज तक बात की, लेकिन इस ग्राउंड के लिए किसी ने तवाजन नहीं दी। एक काम जो कि आया भी आया था यहाँ के लिए, 2 करोड़ का एक डंगा आया था यहाँ के लिए, वो भी यहाँ से चांद किसी गुंडे लीडरों ने उठा के तो कहीं दूसरी साइड में ले लिया। इधर के लिए कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं दी इस ग्राउंड। हम चाहते हैं कि इसके लिए काम आ जाए, इसकी चार दीवारी हो जाए और हमारे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, तो ये ग्राउंड की हमें बहुत ज़रूरत है, ऐसा कि एक नई पहचान हो जाए। इससे हमारी एक जो लड़के खेलने वाले लड़के हैं, एक पहचान बनती है, क्यों हमारे भले सब में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो यहाँ स्टेट लेवल पर अपनी गेम खेलते हैं, तो हमें इस ग्राउंड की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोडे ने महकमा जरात और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। इस बात का इजहार डीडीसी ने दोनों महकमों के अफसरान की एक मीटिंग में किया। डीडीसी ने कहा कि महकमा जरात ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने और छोटे बड़े जमींदारों में तकसीम करने के लिए महकमा की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जिला डोडा में अभी तक 50,000 से ज्यादा जमींदारों को किसान क्रेडिट कार्ड फराहम किया गया है। जो हम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी सब।
आज जिला रामबन के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हसीबुल रहमान ने होम डिपार्टमेंट की तरफ से फराहम होने वाली किट्स तकसीम की। पुलिस के मुताबिक रामबन पुलिस लाइंस में एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें 465 गरीब अफराद में कोविड किट्स तकसीम की गई। पुलिस के मुताबिक गुरबा में तकसीम की गई किट्स में डिजिटल थर्मामीटर, मास्क, सैनिटाइजर और ऑक्सीमीटर शामिल हैं। मेरा नाम शकील अहमद है, मैं तदारसुन से मैं से हूँ कि हमें जो ये कोविड-19 में जो किट दी है पुलिस की तरफ से, हम तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पुलिस का। और इसका फ़ायदा ये है कि हम अपनी फैमिली के लिए, अब जैसे बुखार चेक करना तो ऐसा डॉक्टर के पास लेना पड़ता है, हमारा सवाल तो यही है, इसे हम अपनी फैमिली की हिफाजत नहीं बल्कि कि पूरे मोहल्ले वालों को भी हम इसको इक्विप कर सकते हैं ताकि मोहल्ले वालों को भी इसका फ़ायदा हो। तो ये सबको जो भी गरीब हैं, इसमें तो कम से कम 8-10 हज़ार का सामान है, ये तो आम बंदा नहीं ले पाता है। हम तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिन्होंने हमारी इस टाइम कोविड-19 में हेल्प की। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इस डिपार्टमेंट की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें इतनी मदद दी, मैं इसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसमें आज दौर ऐसा चल रहा है कि क्वारंटाइन बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमें ये हमारी सेफ्टी के लिए दिया गया है। डिपार्टमेंट के शुक्रगुजार है कि हमें इस लायक समझा इन्होंने। हम अगर पड़ोस में आसपास किसी को भी तकलीफ में देखेंगे, हम ज़रूर उनको भी ये राया देंगे। आज MHA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शंस जो थी थ्रू पुलिस हेडक्वार्टर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ DPL रामबन में 465 किट्स, कोविड किट्स जो हमें फराहम की गई थी, उनका एक फंक्शन रखा गया है। BPL फैमिलीज को ये किट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई। इन किट्स में ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, फेस मास्क, सैनिटाइजर्स, फेस शील्ड्स रखे गए हैं। चूँकि ये सब लोग गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये अफोर्ड नहीं कर पाते इन सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए, तो कोविड का अभी सिलसिला जारी है, अभी भी लोग इसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो गाँव में जब ये लोग जाएंगे ये किट्स लेके अपनी फैमिली के लिए यूज़ करेंगे, और इनको हमने डायरेक्शन दी है कि मोहल्ले वालों को भी इन चीज़ों का फ़ायदा मिले, और इनको यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी कैसे ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन, यहाँ होता है आज की खबरों का अख्तिताम। इजाज़त दीजिए, आदाब।